इस क्लास में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू का क्या मीनिंग हुआ? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच फॉर ऑल वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच। इसका क्या मीनिंग हुआ? किसी कोई फंक्शन ए पॉइंट पर मैक्सिमम कहलाएगा, ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा अगर ए पर फंक्शन का वैल्यू अपने राइट साइड वाले नजदीक के पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू से और लेफ्ट साइड में के पॉइंट्स पर फंक्शन के वैल्यू से बड़ा हो। ए पर फंक्शन मैक्सिमम कहलाएगा अगर एफ ए अपने राइट साइड वाले किसी पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू से और अपने लेफ्ट साइड वाले फंक्शन के वैल्यू से बड़ा हो। ए पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा अगर एफ ए एफ ए प्लस एच से भी बड़ा हो और एफ ए माइनस एच से भी बड़ा हो फॉर ऑल वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए पर फंक्शन का वैल्यू अपने नेबरहुड में अपने आसपास लेफ्ट साइड या राइट साइड पर के पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू से बड़ा हो। इस फिगर में आप देखिए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ये फंक्शन इस पॉइंट a के बारे में देखिए, a का x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट a है, इस पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट a है और फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो जब x कोऑर्डिनेट a लीजिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा? fa। तो ये हाइट जो हुआ ये fa हुआ, a पर फंक्शन का वैल्यू fa, यही हाइट हुआ fa। और इसके लेफ्ट साइड में किसी पॉइंट पर हम लेते हैं नजदीक में, a के नजदीक में लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लेते हैं, नेचुरली वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा a माइनस एच, जहां h पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लिया, इसका x कोऑर्डिनेट a माइनस एच है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स में x के जगह पर a माइनस एच रखिए। तो ये हाइट हो गया एफ ए माइनस एच, ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ ए माइनस एच। और राइट साइड में आइएगा तो इस पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है तो ये हाइट क्या हो जाएगा? एफ ए प्लस एच। तो फिगर में देखिए ए पर फंक्शन का जो वैल्यू है अपने राइट साइड वाले नजदीक के पॉइंट पर के वैल्यू से भी बड़ा है और लेफ्ट साइड के नजदीक के पॉइंट पर के वैल्यू से भी बड़ा है। तो हम कहेंगे कि ए पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? किसी पॉइंट ए पर फंक्शन मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगा अगर एफ ए एफ ए प्लस एच से भी बड़ा हो और एफ ए माइनस एच से भी बड़ा हो, दोनों साइड वाले वैल्यू से बड़ा हो फॉर वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच। मतलब ए के आसपास में देखना है, कंपेयर करना है, ए पर वैल्यू अपने नेबरहुड अपने आसपास वाले पॉइंट पर वैल्यू से क्या है? बड़ा है, तो ए पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक उसी तरह से किसी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू का क्या मीनिंग होगा? मिनिमम वैल्यू ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी। फंक्शन का बी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, कब कहलाएगा? अगर एफ बी बी पर फंक्शन का वैल्यू अपने दोनों साइड वाले लेफ्ट साइड वाले वैल्यू से भी छोटा हो और बी पर फंक्शन का वैल्यू अपने राइट साइड वाले पॉइंट पर के वैल्यू से भी छोटा हो फॉर वेरी स्मॉल
फॉर वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच। मीनिंग क्या हुआ, जैसा हमने मैक्सिमम में दिया था, बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम कहलाएगा, एफ एक्स इज सेट टू हैव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी इफ एफ बी लेस देन बी एफ बी माइनस एच एंड एफ बी इज लेस देन बी एफ बी प्लस एच। बी पर फंक्शन का वैल्यू, इस फिगर में देखिए, बी पर फंक्शन का वैल्यू ये है एफ बी, ये हाइट हुआ एफ बी, और इसके लेफ्ट साइड में नजदीक के किसी पॉइंट पर वैल्यू हम देख रहे हैं बी माइनस एच पर, तो ये हाइट हुआ एफ बी माइनस एच, और इसके राइट साइड में नजदीक के पॉइंट पर ये बी प्लस एच है, तो ये हाइट हुआ एफ बी प्लस एच। फिगर में देखिए एफ बी ये हाइट अब दोनों साइड वाले से छोटा है, यानी बी पर फंक्शन का वैल्यू बी एफ बी माइनस एच पर फंक्शन के वैल्यू से और बी प्लस एच पर फंक्शन के वैल्यू से छोटा है, तो हम कहते हैं कि बी पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम की जो बात हम कर रहे हैं, हम फंक्शन का वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में नजदीक आसपास लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले वैल्यू से। इसलिए इस मैक्सिमम और मिनिमम को क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम।